हेलो एवरीवन, आज हम रिक्रूटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में निकली है। और इसमें जो है एलडीसी की पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्टें हैं 35 और इसमें 12th पास होने चाहिए और इसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट। और इसमें आपको लेवल पे जो मिलेगा लेवल 2 का मिलेगा, इसमें लगते ही आपकी सैलरी बनेगी 27 to 30 थाउजेंड। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें भी 12th पास मांगी गई है और इसमें आपकी मिनिमम वर्ड्स जो डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स की होगी, उसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट ही लिखने होंगे। और इसकी लेवल है, ग्रेड पे है 2400, इसमें पोस्ट है 10। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, यूडीसी की भी पोस्ट है इसमें, इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और इसका लेवल 4 है। और इसमें जूनियर मैकेनिक की पोस्ट है, इसमें आपको आईटीआई होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में। और इसमें जो जो पोस्ट हैं सीएससी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल डिज़ाइन, इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट है हेड क्लर्क की, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और मिनिमम 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए इंग्लिश में। और इसका लेवल जो है वो लेवल 7 है और 4600 इसके ग्रेड पे है। अब इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। एप्लीकेशन फीस जो है इसमें एप्लीकेशन फीस है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप सी की पोस्ट में टोटल 1200 रुपीज़ है और ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें 2000 रुपीज़ है। और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स की फीस है ग्रुप सी की पोस्ट में 800 और ग्रुप बी की पोस्ट में 1000। और इसके फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 27 जून से और लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई। और इसको अप्लाई करने के लिए आप को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और जो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है ये, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, nsut.ac.in।